तो भाई कुल मिलाकर आ चुके एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। अब यार कल जो मैंने वीडियो डाली वो मतलब जो गेम प्ले था मैंने उसे नॉर्मली वीडियो की तरह नहीं डाला, मैंने उसे आपको एक स्टोरी की तरह बताना चाहा। और सही बताऊं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है अगर हम एक गेम प्ले को एक स्टोरी मोड पर देखें। अब यार किल्स के भरोसे वीडियो देखना कोई नई बात नहीं है, हाँ लेकिन अगर उसी वीडियो को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मेरे भाई मज़ा आ जाता है। अब बात करते हैं इस गेम प्ले की, इस गेम प्ले मेरे साथ कौन है, और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने इस गेम प्ले में एक हैकर को मारा भाई, वो भी AWM से। मतलब सही बता रहा हूँ, क्लोज रेंज में मुझसे फाइट लेते हैं, मिड रेंज में तो हमें खा जाता, लेकिन उसको बहुत ही गजब तरीके से मारा। और न्यू अपडेट के बाद आपको पता होगा कि अगर आप पानी में किसी को मारते हो तो आपको उसका किल नहीं मिलता है। अब फिलहाल हम लोग भाई गन वगैरह लेके यहाँ पे आ चुके थे और यहाँ पर फाइटिंग चल रही थी, ये बात हम लोगों को पता चल चुकी थी, इसलिए हमने यहाँ पर सीधा रश कर दिया। अब यहाँ से कोई मिनी चला रहा था और टीका ने उसको नॉक कर दिया, तो मुझे जब ये पता तो मैंने ऊपर ग्रेनेड कर दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर किसी क्रेट को बनते हुए देखा, लेकिन तभी मुझे यार यहाँ पर एक बंदा दिखाई दे गया। अब इसमें देख के इतना तो पता चलेगा कि जो बंदा है वो सामने दीवार के पीछे, बंदा भी बड़ा चालाक था, मुझे देख के पीछे भागने लगा। अब जैसे ही मैंने इसे नॉक किया, इसका जो टीममेट था उसकी आवाज मुझे इधर से आ जाती है। अब फिलहाल ये वाली टीम तो क्लियर रहती है, लेकिन हाँ सामने वाली अभी टीम का खतरा टला नहीं था मेरे भाई। अब देखिए यहां पर मेरे साथ एक स्कैम होगा। अब वो ये कि देखिए जब सामने स्मोक हो रहा है तो आप या कोई भी नॉर्मली यही समझेगा टीम यार वहीं पे, क्योंकि कोई नॉक रिवाइव ये सारी प्रक्रियाएं चल रही होंगी। नहीं भाई साहब, बंदे ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। और भाई पीका की तरफ से गजब का क्लच, कुल मिलाकर भाई बच गए, बस इतना ही कहना चाहूंगा। अब इसके बाद हमें यहां से लेके और ब्रिज के पास तक कोई भी गाड़ी नहीं मिली, हाँ लेकिन जैसे हम ब्रिज के पास वाले घर यहां पर आए कि तभी हमें एक गाड़ी की आवाज आ जाती है। अब यार हमारा एक टीममेट कुछ ज्यादा आगे चला गया और जिसका उसे हरजाना भरना पड़ा, और वो ये कि मर गया। अब फिलहाल यार अपने टीममेट का बदला तो बनता है, तो यार ये वाली स्क्वाड यहाँ पे फिनिश हो जाती है। फिलहाल यहाँ पर हमारे एक बॉट आ जाते हैं, तो बॉट को तो मार देते हैं। अब दिक्कत ये थी कि हमारी स्क्वाड में एक प्लेयर कम हो चुका है मेरे भाई, और प्लेयर का कम होना भाई कुल मिलाकर एक अच्छा संदेश नहीं है। अब इसके बाद हम लोग स्काउटिंग के लिए निकल चुके थे और हमें आइडिया था कि सेल्टर पे कोई ना कोई तो मिल जाएगा, पर हमारा आइडिया ये था कि हमें नीचे घर में मिलेगा, उम्मीद ये नहीं थी कि हमारे राइट से कोई गाड़ी चली आएगी। अब यहाँ देखिए भाई मैंने कितना दिमाग का काम किया। सबसे पहले मैंने मतलब मैं डैमेज था फिर भी मैंने एक ग्रेनेड की पिन खींची। अब वो इसलिए क्योंकि मेरा टीममेट वहाँ जब तक रिवाइव हो रहा है मुझे इन लोगों को बिजी रखना है। मैंने ग्रेनेड किया, बंदा नॉक हो गया, और वो भी एक नहीं दो दो बंदे नॉक हो गए। उसके बाद मैंने हेल्थ लगाई क्योंकि अब उनके दो बंदे कम से कम तो नॉक हैं। अब यहाँ पर मेरा टीममेट भी रिवाइव हो चुका है पी का, जो कि भाई हमारी टीम की जान है। अब मुझे आइडिया होता है कि यहाँ पर कोई बंदा हो सकता है, पर लेकिन था नहीं। एंड इस लास्ट प्लेयर के साथ में पूरी की पूरी टीम फिनिश हो गई। वो लेट गया, मैं साइड में से देख रही थी तो। कुल मिलाकर बस यार इतना ही कहना चाहूंगा, टीम वर्क बस मतलब कोऑर्डिनेशन एक बार बैठ जाए फिर तो अच्छे से अच्छे गेम निकल जाते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक स्मोक की स्किन मिली है, मेरे को लगा कि कोई स्मोक भी भैया इसी कलर का निकलेगा,
लेकिन यहाँ पर मेरे साथ स्कैम हो गया। बस स्मोक की स्किन मेरे हिसाब से सिर्फ देखने के लिए, अगर आपको इसके बारे में कुछ अलग पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब फिलहाल यहाँ पर एक बग्घी जाती है, अब हमें नहीं पता था कि वहाँ पर केवल एक ही बंदा हो सकता है। भाई वहाँ तो पूरी टीम निकली। अब यार मैं देखो उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो लोग मिलने के लिए आते हैं, पहली बात तो कोशिश करो कि मत ही मिलो यार, गेम खराब होता है, आपकी स्किल्स खराब हो रही है। अगर मिलने आ भी रहे हो तो चारों लोग डिसाइड करके आओ कि मिलना है कि नहीं। अब यहाँ पर अगर आपने देखा पहला बंदा फायर देता एंड जिसको मैंने नॉक किया वो उछल रहा था। कुल मिलाकर यार बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। अब जो भी है यार इनकी इस ईमानदारी पे, या मैं भाई इनसे ना गाली खाऊं, बद्दुआ दे मुझे, क्या फालतू ये फालतू में, तो मैं इनको यहाँ से छोड़ के चले जाता हूँ कि इनके टीममेट इनको रिवाइव दे देंगे। हाँ लेकिन जब हम यहाँ पे फाइट ले रहे थे, मेरी नज़र जब राइट में गई तो मैंने किसी बग्गी को जाते हुए ज़रूर देखा था। और फाइनली वो बग्गी हमें दिख भी जाती है। अब यार इसके पीछे हम इतनी देर तक पड़े, ये कह रहे होंगे कौन जल्लाद है लोग, भाई पीछा छोड़ ही नहीं रहे, मतलब हमारी गाड़ी का फ्यूल चेंज खत्म हो गया तो हमने गाड़ी को चेंज करके इन लोगों तक मारा। तो आप लोगों को बग्गी दिखाई तो दे गई होगी, और वो देखिए बग्गी सामने। तो जैसे कि मैंने बताया तो यहाँ पर हमारी गाड़ी का फ्यूल कम होने वाला था, तो हमने यहाँ पर गाड़ी को चेंज कर दिया क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमारा सफ़र इनके साथ भाई कितनी दूर तक ले जाए। पर लेकिन इन्होंने हमारी इस कठिनाई को बहुत ही आसान में कन्वर्ट कर दिया, और वो ये कि ये लोग यहीं पर रुक गए। एक तो एम के ऊपर से प्रोडेंट फायर, भाई बचने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब इसके बाद सुनिए, पहले ही आप लोगों को चेतावनी दे देता हूँ कि इस वीडियो में दिखाए जाने वाले सभी पात्र काल्पनिक हैं और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर अब बहुत से संदेह करने वाले हो आप लोग, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक क्लिप आने वाली है। अभी आप मेरे किल देख रहे हो 10, अब एक साथ ये 6-7 बढ़ेंगे और कुछ ऐसी फाइट होने वाली है मेरे भाई आगे। अब फिलहाल मुझे पता है आप लोगों ने आगे गाड़ी देखी होगी, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं है, कुछ लोगों को पता होगा कि ये वही गाड़ी है जो जिनको हमने वहाँ पे नॉक किया था, तो इसलिए हमने इनके पीछे भागने में ज़्यादा जोर नहीं लगाया। okay. अब फिलहाल हम लोग जब यहाँ पे आए तो हमने इन वाले घरों की तरफ देखा तो हमें कोई नहीं मिला, लेकिन जैसे हम थोड़ा सा आगे चले हमें कुछ फायरिंग के साउंड आए, और अब इसके बाद वो तबाही गेम प्ले भाई यहाँ से स्टार्ट है। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप सिर्फ आप देखो। भाई देखो अगर तुमने ये फाइट या कुछ भी मैं बोलना चाहूँगा, मैं तारीफ नहीं कर रहा छोड़ो, पर तुम्हें अगर अच्छा लगा हो दिल से तो अभी की अभी सब्सक्राइब बनता है, अगर नए हो तो, और भाई पुराने हो तो लाइक तो बनता ही है, और नए वालों की तरफ से भी लाइक बनता है। लाइक पे कौन सा टैक्स जा रहा है मेरे भाई, अभी की अभी लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो भाई शेयर ज़रूर करना। अब फिलहाल देखिए सामने वाले बंदे यार स्नाइपर चला रहे थे, और मेरे टीममेट के पास यहाँ पर AWM थी, और यार तुम लोगों को भी बहुत लगता है कि यार तुम स्नैपिंग क्यों नहीं करते यार, बहुत रिस्क रहता है यार, मतलब अगर 1v2 या 1v4 हो जाए ना तो दिक्कत हो जाती है। पर लेकिन आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर आज स्नाइपर को उठा लिया। अब सामने वाले बंदे के पास, एक के पास M24 थी और एक बंदे के पास Kar 98, तो चलो भैया मारते हैं इनको। अब पहले तो इन भाई साहब को नॉक किया, अब इसको जैसे मैंने इसे AWM का शॉट दिया तो जिसका एक टीममेट था वो यहाँ पे था, वो भाई साहब उसने अपनी गर्दन पीछे खींच ली। लेकिन जब मैं इधर की साइड आया तो मुझे लगा यार कोई ना कोई तो दोबारा जरूर गलती करेगा, और इन भाई साहब ने फिर एक गलती कर दी। अब यार देखिए इस तरीके से इस फाइट का तो कोई भी हल नहीं निकलने वाला था, क्योंकि AWM से नॉक करते रहो, रिवाइव होते रहेंगे तो नॉक करते रहो, बस डैमेज बढ़ेगा, लेकिन मारेंगे कब। तो इस बार मैंने डिसाइड किया कि जब अब ये नॉक हो जाएगा तो हम लोग इन पर रश करने वाले हैं।
अब यहाँ पर उनके पीक का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है कि कैसे ही वो एक बार पीक करें, गलती करें, मैम नॉक करें और रश कर दें। तो यहाँ पर मैंने टीममेट से बोला कि गाड़ी को बहुत ज्यादा क्लोज में रखो, जैसे ही मैं नॉक करूंगा हम लोग तुरंत रश कर देंगे। तो इसका टीममेट बताता है कि वो इधर से पीक कर रहा है, तो मैं हार्ड स्कोप ऑन करके यहीं पे बैठा रहा, और यकीन मानिए उसकी डॉट जैसी गर्दन को क्या ही मारा भाई। अब भाई ये जैसे ही नॉक हुआ सबसे पहले अपनी गाड़ी की तरफ गया, गाड़ी उठाई और डायरेक्ट रश कर दिया। अब जैसे हम लोग यहाँ पर आए सबसे पहले मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, मुझे पता यार, मुझे लगा ये केवल मतलब एक स्टोरी का ही घर है, लेकिन ना ऊपर एक और अलग स्टोरी थी। अब जैसे मैंने इस टीम को मारा, अब यहाँ पर ध्यान देना और मैं आपको प्लेयर आईडी भी दूंगा, ठीक है, और इस प्लेयर का नाम भी देखना कि इधर की तरफ से कोई फायरिंग का साउंड आ रहा था, तो मैंने AWM को सबसे पहले भाई रीलोड किया क्योंकि मैंने एक लास्ट टाइम चला गया बहुत जल्दी और मैं बंदे को स्पॉट करने लगा। अब ये आपने नाम पढ़ लिया और प्लेयर आईडी भी देख ली, तो अब इसे जाके सर्च करना, आपको पता चलेगा कि ये हैकर है कि नहीं। भाई साहब का हेडशॉट परसेंट 50 प्लस है भाई, मेरी तो भाई पहले जब देखा ना मैं डर गया। अब इसके बाद जो है मुझे पीका बताता है कि एक बंदा यहीं कहीं आ चुका है और वो प्रोन हो गया इधर रिच के पीछे। तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल भी गलती नहीं करने वाले थे, और उधर की तरफ से भी कुछ बंदे थे, और तुम्हें बता दूं कि ये वही बंदे हैं जो हमें वहाँ मिले थे। हाँ, लेकिन हमको ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि अभी एक बंदा यहाँ रिज के पीछे बताया गया था, तो हम इसको स्पॉट करने लगे, लेकिन भाई मुझे नहीं पता वो रिज वाला बंदा कहाँ चला गया। अब भाई पिकार ने देखा था तो यार होगा तो सही। हाँ, लेकिन फिलहाल बात करें पीछे वाले बंदे की, भाई वो आ रहे थे अब हमारी तरफ। अब जैसे इन्होंने ये फायर किया तो एक बार को मुझे लगा कि वो हम पे फायर कर रहे हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि अभी जोन में 9 बंदे, तो हमारे अलावा और भी बंदे हैं, तो वो उनसे फाइट ले रहे थे। लेकिन मेरे भाई अब यकीन नहीं किया जा सकता किसी पे भी, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेनेड फेंका। हाँ, लेकिन इसे कोई नॉक तो नहीं हुआ। फिर मैं इनके क्लोज गया ये पता लगाने के लिए कि भाई अब तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। ये वो पीछे वाला बंदा, ये रहा। एनिमीज अहेड। कूद रहा है। अब जैसे ही बंदा उछलने लगता है इतना तो पता चल गया कि हाँ ये टीम अप वाले, तो भाई मैंने पहले भाई को पास बुलाया और मैंने पूछा कि भाई तुम में से, तुम्हारी टीम में से कितने लोग ऐसे हैं जो मिलना चाह रहे हैं, कितने मारना चाह रहे हैं। तो इसने अपने टीममेट को बताया कि भाई अभी फाइट नहीं लेनी बंदूकबाज से। तो अब ये लोग सामने वाली टीम से फाइट ले रहे थे और इनके बंदे कुछ ज़्यादा डैमेज हो चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी मदद की जाए। फिलहाल ये भी उनकी टीम का बंदा था, हाँ, लेकिन जो रियल एनिमीज थे वो थे सामने। अब खुद देखना, मैं प्री फायर देते हुए जाऊंगा फिर भी मैं नॉक हो जाऊंगा भाई, पता नहीं कैसे। फिलहाल जो भी है भाई पीका ने अभी बचा लिया। अब इसके बाद में जो जितने भी भाई रियल एनिमीज थे वो तो खत्म हो चुके, अब सारे रह गए अपने मिलने जुलने वाले और भाई सभी लोग। तो तुम्हें पता है हर बार यार कहानी का एंड वही होता है, पैन फाइट या कुछ अलग कोशिश करते हैं। और बात करें इस वाले गेम प्ले की, तो इसकी पेन फाइट का रिजल्ट ये है कि हम ये वाला मैच जीत गए। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये वाला गेम प्ले और ये डिलीशियस चिकन डिनर तो है ही। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे भाई अभी के अभी लाइक करो, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मैं मिलूंगा आपसे एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।